आप जानते हैं आप क्रिश्चियन हैं, आपकी लाइफ में आपको एक ऐसी बरकत जरूर चाहिए होती है जो आपके विरोधियों का मुंह बंद कर दे हमेशा के लिए। आप महसूस करते हैं कि नहीं? आपके विरोधी को पता होता है अब कोई गल नहीं है, गड्डी ले ली कोई नहीं, कोई नहीं। अच्छा इन्हें आ हो गया कर ले ले कोई नहीं, कोई नहीं। उसको मालूम है अभी एक चीज इसकी पड़ी है, उसको मालूम है ये होने वाली नहीं। वो हमेशा सोचता है कि मैं सुपीरियर हूं, उसको हमेशा लगता है कि नहीं ठीक है ये तो हम भी ले लेते हैं, हम भी कर लेते हैं। पर एक ऐसी चीज होती है आपकी लाइफ में जो सीधा आपको परमेश्वर के दखल से मिलती। सुनो मेरी बात, जब वो चीज आपकी लाइफ में आती आपका विरोधी वो टेप नहीं लगती, परमेश्वर सीमेंट लगा के बंद करता है उसको, ऊपर से ईंट कर देता। ऐसा मैंने देखा है। हालेलुया। आप सेवा करते हो कहते कोई नहीं कोई नहीं, लोग ही है कोई नहीं, कोई 10-15 यार लोग ही है कोई नहीं, 2009-10 ओ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। अच्छा ये बरकाओ कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, ये फंसेगा अभी क्योंकि इसके पास बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन जब परमेश्वर छक्का मारता है तो बॉल मिलती नहीं, स्टेडियम के बाहर जाती है। और वो छक्का मारने वाला आपकी लाइफ में यीशु मसीह के नाम में। पौलुस ने कहा कुछ चीजें जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं ये परमेश्वर ने मुझसे नहीं कहा, लेकिन मैं परमेश्वर के करीबी होने के कारण तुमको ये सलाह देता हूं। अगर तुम बिना ब्याहे रह सकते हो तो ठीक है, लेकिन ब्याहे जाना भी पाप नहीं। जब मैं आपको बोल रहा हूं कि हर टाइम जात पात मत देखो, अगर आप देखेंगे भी आप पाप नहीं कर रहे, पर मैं आपको परफेक्शन में देखना चाहता हूं, संपूर्णता में देखना चाहता हूं, सिद्धता में देखना चाहता हूं। क्योंकि मुझे एक बात मालूम है, कुछ ब्लेसिंग्स, कुछ गवाही आपकी लाइफ में तब आती हैं जब आप संपूर्णता में चलते हैं। परमेश्वर ने कहा अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा। अब्राहम उस समय कितने सालों से अपने घर से बाहर आ चुका था और अब्राहम वेट कर रहा था परमेश्वर कब मुझे बच्चा देगा और मेरे विरोधी का मुंह बंद करेगा। लाखों रुपया, लाखों भेड़े, लाखों बकरियां, लाखों गायें, लाखों रुपए की प्रॉपर्टी, लाखों टेंट, सोना चांदी। शैतान बोलता किस काम का, अब्राहम के रिश्तेदार बोलते हो किस काम का, किस काम का, तेरे अपने कोई बेटा तो है नहीं, यहां रहता तो हम तेरे 10-15 इलाज और करके देख लेते, तुझे फलाने बाबे के पास ले जाते, ढमकाने के पास ले जाए, बड़ा सियाणा आया उदे को ले जाते। पर परमेश्वर कहता अब्राहम मेरी उपस्थिति में चलता जा और सिद्ध होता जा, क्योंकि वो ब्लेसिंग जो तेरे विरोधियों के मुंह को बंद कर देगी वो सिद्धता के बाद आएगी। चाहते हो सिद्ध होना? पुलिस वाले आए यूहन्ना के पास, कहते हम सिद्ध होना चाहते। उसने कहा अपने वेतन पर संतोष करना, रिश्वत मत ले। उसने कहा अपने वेतन पर क्या करना? संतोष करना, रिश्वत मत लेना, तुम सिद्ध हो जाओगे। एक बंदा आया, उसने कहा मैं सब आज्ञाओं को मानता हूं, माता पिता का आदर ये वो सब। यीशु मसीह ने कहा तू पैसों से बहुत प्यार करता है, जा अपना पैसा दे दे खुदाबंद के कामों के लिए, जा बांट दे उसको। यीशु मसीह ने कहा अगर तू सिद्ध होना चाहता है, मैंने ये नहीं कहा अगर तू स्वर्ग जाना चाहता है, तू स्वर्ग तो जा ही रहा है इससे, पर अगर तू सिद्ध होना चाहता है, क्योंकि जो सिद्धता की ब्लेसिंग्स हैं वो नॉर्मल ब्लेसिंग्स नहीं है। लोग आपको कॉपी भी कर लेंगे ना सेम, तो भी उस जगह नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि वो परफेक्शन के बाद आपकी लाइफ में आती। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? परफेक्शन क्या है? हर रोज अपनी रोज की जिंदगी में आपको चुगली करने का मौका मिला आपने नहीं की, आपको मारने का मौका मिला आपने नहीं मारा, किसी का नुकसान करने का मौका मिला आपने नहीं किया, चोरी करने का मौका मिला आपने नहीं की। आज लोग तब तक चोर नहीं है जब तक उनको पैसे के ऊपर रखा ना जाए, और जब तक तब तक व्यभिचारी नहीं है जब तक कोई लड़की या लड़का मिल नहीं जाता। तो ये तो व्यभिचार नहीं, ये तो पवित्रता ही नहीं, ये तो एक इत्तेफाक है कि आपको कोई मिला ही नहीं पाप करने के लिए। लेकिन जब आपको सब तरफ से आपके दरवाजे पाप के रास्ते ओपन हो और फिर भी आप उन्हें बंद रखें, इसका मतलब आप सिद्धता की ओर चल पड़े। और याद रखो मुझे इच्छा थी शुरू से कि क्या करना चाहिए। आप इमेजिन करो बपतिस्मा लेने के बाद मेरे पास एक गाड़ी होती थी इंडिका, उस समय की बेस्ट गाड़ियों में वो तब गाड़ी होती थी, और मैं अपने पास्टर को पीछे बिठा के गाड़ी में लेके जाता था। बैप्टिज्म लेने के बाद की बात कर रहा हूं,
और गाने चल रहे होते थे हिंदी गाने, देवदास फलाना आटम, मेरी गाड़ी में मैं उन्हें सुनता था। एक दिन मैं अपने पास्टर के पास बैठा, मैंने कहा यार मुझे एक बात बताओ यार, जो बेनी हिन है वो गाने सुनता होगा, हिंदी गाने या इंग्लिश गाने? कहते नहीं यार, लगता था नहीं। मैं कहा फिर हम क्यों सुन रहे हैं, हम भी तो बढ़ना चाहते हैं ना मसीह में, अगर ये रुकावट तो हम इसे छोड़ देना चाहिए। उसने कहा हाँ छोड़ दो। मैंने कहा ठीक है, छोड़ दिए। इस तरह से रोज रोज देखना क्या चीज है, कौन सी चीज है जो मुझे छोड़नी चाहिए, ये वाली चीज मुझे छोड़नी चाहिए, अच्छा ये वाली चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, रोज आज तक अभी भी, क्योंकि हमें परफेक्ट जाना है। हम बरकतें तो ले चुके हैं, आशीषें ले चुके, स्वर्ग जा रहे हैं, लेकिन कुछ परफेक्ट होने के बाद जो ब्लेसिंग्स हैं उनका ना कोई तोड़ है, उनके खिलाफ कोई विरोधी मुंह भी नहीं खोल सकता, वो ऐसी हैं, अगर एक बार आ गई तो बल्ले बल्ले लाइफ टाइम। वो छोटे से छोटा क्यों ना हो, अगर वो भी इन चीजों को फॉलो करेगा छोटा नहीं रहेगा। यीशु मसीह ने कहा है, उसने कहा मैंने तुच्छ को चुना बड़ों को शर्मिंदा करने के लिए, क्योंकि मैं उस तुच्छ को इतना बड़ा कर दूंगा कि बड़ा उसके सामने छोटा लगेगा। उसने लिखा ऐसे, यीशु मसीह ने सवाल दिया, उसने कहा तुम बताओ मैंने क्यों यहूदियों को चुना? बताइए क्यों चुना? किसी ने कभी दिमाग में सोचा है कभी कि परमेश्वर ने यहूदी लोगों को क्यों चुना था अपना आप प्रकट करने के लिए? क्योंकि यहूदी कौम सबसे छोटी थी गिनती में। उसने कहा मैं बड़ी कौम के ऊपर अपने आप को प्रकट नहीं करूंगा कि ये लोग ये कहें कि हम बहुत बड़े थे तो यहोवा ने हम पर दया की और हमें चुन लिया और हमने पूरी दुनिया पर राज किया। परमेश्वर ने कहा मैं यहूदियों को चुनूंगा जो सबसे छोटे थे और मैं उन्हें सबसे बड़ा करूंगा और बड़ा राज दूंगा, ताकि वो जान जाए कि हम छोटे थे और खुदावन ने हमें बड़ों से बड़ा किया। आप बड़े होने वाले हैं, आपके बच्चे बड़ी पोजीशन पर बैठने वाले हैं। मैंने कहा बड़े होने वाले हैं, मैंने कहा आपके बच्चे बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठने वाले। अगर आमीन ऊंचे, आपको मान होना चाहिए परमेश्वर, प्राउड होना चाहिए खुदावन के ऊपर। हालेलुया। वो आपको इन रिलीजियस एक्टिविटीज में फंसाना नहीं चाहता, वो आपको धर्म के चक्रों में फंसाना नहीं चाहता, वो आपको फ्री करना चाहता है। जहां कहीं उसका आत्मा वहां आजादी है, उसने कहा हालेलुया। ऊंची आवाज बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो बोलो सिद्ध हो जा, क्योंकि तेरा पिता, तेरा स्वर्गीय बाप भी सिद्ध है। यीशु मसीह ने कहा सिद्ध बनो जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। तारीफ करो जोर से। अगर आपको इतिहास मालूम हो तो जिस दिन बारिश होती है उस दिन सबसे बड़े मिरेकल्स होते हैं। अब आज लोगों को यकीन हो जाना चाहिए, बारिश हो चाहे ना हो चर्च लगेगी। आज यकीन हो जाना चाहिए। तारीफ करो जोर से। तैयार हो सिद्ध होने के लिए? अगर आप इस चर्च के जेन्युइन मेंबर हैं तो आपकी लाइफ का ये मकसद होना चाहिए सिद्ध होना। आप एक दिन में नहीं हो जाओगे, एक साल दो साल में नहीं हो जाओगे, आपको रोज काम करना पड़ेगा, रोज एवरीडे अपने आप को जांचना होगा, अपनी कमी के खिलाफ लड़ना होगा, उसके लिए प्रेयर करनी होगी, उसको छोड़ना होगा। अपनी कमी को छोड़ने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या है? उस पर फाइन रखो, फाइन रखो। अगर आपने कहा खुदाबंद मैं 10 मिनट से ज्यादा फोन यूज नहीं करूंगा रोज, अगर आपने 12 मिनट किए फाइन रखो, मैं 1000 रुपए फाइन करूंगा अगर मैं 12 मिनट यूज करूं। आप 2-4 बार फाइन भरोगे ना आपकी आदत छूट जाएगी। अफ्रीका में बहुत ये आम था कि पास्टर्स व्यभिचार में पैसों में गिरते थे। आज जो सबसे बड़ी दुनिया की चर्च है पॉल योंगी जो के की रिटर्न है, लेकिन जो ओरिजिनल में है वो नाइजीरिया में है। उस पास्टर ने कहा परमेश्वर जो मैं देख रहा हूं अपने आसपास इन प्रॉफिट्स को, इन लोगों को एक तरफ सोना और दूसरी तरफ प्रोफेटिक देना, कहता परमेश्वर अगर मैं लाइफ में कभी भी व्यभिचार करूं तो मुझे उसी दिन कोड होना चाहिए। वो प्रार्थना करता था ऐसे। और आज वो स्टेडियम बना रहा है जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है, 3000 करोड़ का। मैंने कहा आप बेवकूफ बनाकर थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन ना तो वो लंबा होगा ना बहुत ज्यादा होगा।